हेलो भाई, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऑटो वैल्यू और हमारी दुकान ऑटो मैजिक कार डेकोर में। सो भाई, आज हम लेके आए फिर से आपके लिए बेस मॉडल स्कॉर्पियो एन का Z2 मॉडल। अभी बनने वाला है Z8L, मतलब पूरा कंप्लीट मॉडिफाई होने वाला है। बाहर से लेकर अंदर सारे कुछ मॉडिफिकेशन में करने वाले हैं। बात की जाए क्या क्या इसमें अपग्रेड किया है, तो भाई वो दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले फ्रंट में लेके चलता हूँ। तो भाई फ्रंट में देख सकते हैं भाई, पूरी यहाँ पे ग्रिल खुली हुई है। भाई ग्रिल खुली हुई है तो क्या काम होने वाला है, ग्रिल के अंदर स्लॉट लगने वाले हैं वो ठीक है, बट इस बार ग्रिल पूरी पियानो होने वाली है, ब्लैक पियानो ग्रिल होगी। साथ ही साथ अगर हेडलाइट की बात की जाए तो भाई हेडलाइट का तो यहाँ पे हमने LED को इंस्टॉल किया गया, अच्छा खासा ब्राइट सेटअप यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्रिस्टल क्लियर आपको लाइट मिलेगी। साथ साथ डिस्टेंस की बात किया, डिस्टेंस भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बात की जाए फॉग लाइट DLL, तो भाई ये भी आपको प्रॉपर मिल जाएगा, सारा जेन्युइन बेजल के साथ बेजल भी आपको जेन मिल रहा है। साथ साथ वायरिंग की बात कीजिए, भाई देखिए कपलर टू कपलर यहाँ पे आपको वायरिंग देखने को मिल जाएगी, प्रॉपर फिटमेंट मिलेगी। साथ साथ सीधा प्लग एंड प्ले का इसमें ऑप्शन होने वाला है, कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ भाई ये देखिए महिंद्रा जेन्युइन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बात कीजिए भाई अगर अलॉय व्हील्स की, तो भाई अलॉय व्हील्स लगवा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है 17-18 इंच दोनों का। अगर 17 इंच में जाना चाहते तो भाई 17 इंच के अंदर क्या है, आपका स्टॉक टायर के अंदर लग जाएगा। अदरवाइज अगर 18 इंच में जाते हो, 18 इंच के अंदर आपको स्टॉक टायर चेंज करना पड़ेगा, टायर लगाएगा। इसका एक लेवल है जो हाइट का, वो अप हो जाएगा, अच्छी खासी लुक और बल्की लुक यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। बाकी बात के साइड प्रोफाइल में लेके चलते हैं, तो भाई साइड प्रोफाइल में दिखाऊँ, देख सकते हैं जो मिरर थे वो निकाल लिए गए। यहाँ पे ऑटोफोल्ड मिरर लगने वाले जेन्युइन महिंद्रा के हो रहे हैं। साथ ही साथ उसके अंदर आपको कंट्रोल मिल जाएगा अंदर से, भाई फ्लिप की से भी यहाँ पे कंट्रोल आपको मिल जाता है। सेकेंडरी बात की जाए, आपको पता जो हैंडल होते हैं भाई, हैंडल यहाँ पे आते हैं हमारे मैट ब्लैक के अंदर, तो भाई उसको गया है बॉडी पेंट के लिए, कंप्लीट बॉडी पेंट हो जाएगा। साथ साथ लोअर गार्निश इधर लगनी है, एक दो पीस इधर रिप्लेस, दो पीस उधर रिप्लेस, मतलब टोटल 4 पीस रिप्लेस है और 2 पीस आपके पेस्टिंग होने वाले हैं। साथ साथ इधर दिखा दो, इधर फुटरेस्ट भी इंस्टॉल कर दिया हमारा टॉप मॉडल वाला ब्लैक कलर का, फिटमेंट दिखा देते दिखाओ आपको, देखिए तो भाई देखिए कंप्लीट ब्लैक लुक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, प्रॉपर फिटिंग मिलेगी और स्ट्रेंथ वाइज भी आपको आगे अच्छा खासा मिल जाता है। पार्ट्स की बात की जाए भाई, जेन्युइन महिंद्रा के पार्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। भाई सारे पार्ट्स आपको जेन्युइन मिलेंगे महिंद्रा के, सीट कवर भी किए जा रहे हैं, पूरा इंटीरियर किया जा रहा है। पहले बैक प्रोफाइल में लेकर चलो आपको, तो भाई यहाँ देखिए बैक प्रोफाइल के अंदर भाई ऑप्शन की बात की जाए, पीछे आपको रेयर वाइपर मिल जाता है, साथ ही साथ वर्किंग डमी दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। कैमरे की बात की जाए, कैमरा भी लगाया नहीं है, बट कैमरा अगर लगवाएं तो कैमरे का ऑप्शन मिलता है, हमारा लगता है ब्लू पॉइंट का DS05। क्वालिटी वाइज टॉप मिलेगा, टॉप से भी टॉप अच्छी क्वालिटी मिलती है। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिले जो ब्लैक कलर का क्रोम लगा, इसे रिमूव कर दिया जाएगा, क्रोम फिनिशिंग लगाई जाएगी कस्टमर की नीड पे। बाकी डाइजेक्स ब्रांड का इधर हमारा रेयर गार्ड यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया, डबल क्रोम लाइनिंग देखने को मिलेगी और भाई इसकी जो फिटमेंट भी अच्छी है और जेन्युइन से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। बाकी लेकर चलो इंटीरियर में दिखाते हैं और क्या क्या यहाँ पे अपग्रेड किया गया। तो इंटीरियर में जो काम हो रहा है, इंटीरियर काम हमारा यहाँ पे चल रहा है, देख सकते हैं कुछ तरीके सीट करवाए थे। बाकी जो हमारे रिंकू भाई है प्रोफेशनल वर्कर है, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए प्रॉपर कटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। भैया ये कपड़ा जो फाड़ रहे हो कहीं जाएगा तो नहीं, सही रहने वाला है? जाएगा। कहाँ पे जाएगा ये कपड़ा? अंदर ही रहेगा। अच्छा, अंदर जाने वाला है, ठीक है। बाकी देख लो भाई, ये कुछ हमारा टॉप मॉडल वाली लुक मिलने वाली, कुछ ये आपका लेदर टेक्सचर होगा सोफा लेमिनेशन के अंदर, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है भाई, दिखने के अंदर भी अच्छे, साथ साथ इसका टच भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। एक बार इंटीरियर से दिखाऊँ, उससे पहले एक चीज़ और दिखाऊँ ऊपर, तो भाई ये देखिए, तो भाई यहाँ पे रूफ रेल का काम चल रहा है, दिखा रहे थे उस तरीके से, तो भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पे रूफ रेल का काम चला है, पूरा ड्रिल करके लगाया था जिसे जनरल तरीके से लगता है। साथ ही साथ बात की जाए कंप्लीट इंटीरियर, तो भाई यहाँ दिखा दूँ आपको, तो भाई देखिए भाई पूरा यहाँ पे फ्लोरिंग की जाएगी। साथ साथ जो हम आपको बताया कैमरा ब्लू पॉइंट का DS05 वो लगने वाला है। और तो और भाई बात की जाए इसके अंदर और क्या किया जा रहा है, तो भाई स्टीयरिंग रैप होगा, पूरा इंटीरियर जो है यहाँ पे पूरा पियानो होने के, देखिए कंसोल देखिए पूरा कंसोल किया पियानो के लिए। सो भाई ये कुछ यहाँ पे काम हो रहा है। बाकी अगर आपको कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करवानी है तो भाई आपको आना हमारी दुकान ऑटो मैजिक कार डेकोर पे, जहाँ पे सारी मॉडिफिकेशन आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और भाई जो जो मॉडिफिकेशन होती है जिसमें जनरल पार्ट्स लगते हैं, उस सारे जनरल पार्ट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारे पास, देख सकते हैं। बाकी भाई अगर इनर हैंडल रिप्लेस करवाना है वो हो जाएगा, ग्रैब हैंडल रिप्लेस का और साथ साथ स्विच प्लेट हो जाए वो भी रिप्लेस हो जाएगी, स्विचेस भी यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब कंप्लीट मॉडिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो भाई जैसे ही गाड़ी कंप्लीट होती है मैं आपको कंप्लीट ओवर लुक दिखाऊंगा क्या क्या यहाँ पे अपग्रेड किया और किस तरीके से Z2 को बनाया गया Z8L। तो भाई इस Z2 के अंदर हमारे को अलॉय व्हील लग चुके हैं, 18 इंच के अलॉय व्हील से, देख सकते हैं भाई वंडर के और MFA टायर को देखने को जाएंगे 80 के अंदर। बाकी बात कीजिए भाई ये हमारी जा रही कोडिंग के लिए, भाई दूसरी गाड़ी में Z4 भाई इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम कंप्लीट काम है,
ग्रिल पूरी भी हमारी हो रही है, पियानो ब्लैक, साथ साथ इसमें क्रोम फिनिशिंग होने वाली है, फॉग लाइट यहाँ लग चुकी है। और भाई यहाँ दिखा दो, देखिए सिंपल आपका कपलर टू कपलर होने वाला है, प्लग एंड प्ले का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। सेकेंडरी बात कीजिए भाई इसके अंदर अलॉयज, तो भाई ये कुछ आपका अलॉय यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, अच्छे खासे डिसेंट अलॉय साथ साथ भाई इसके अंदर देखिए आफ्टर मार्केट अलॉयज है। बाकी भाई अगर आपको चाहिए हमारे जेन्युइन, तो भाई जेन्युइन तो आपको दिखाई दे जो आपको उस गाड़ी में देखने को मिल रहे हैं। बाकी इसके अलावा और भी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी भाई कंप्लीट इंटीरियर इसके अंदर होने वाला है, जैसे आपको दिखाया जेड टू के अंदर प्रॉपर पियानो ब्लैक होने वाला है, सेम इसके अंदर पियानो ब्लैक होने वाला है। ORVM इसके अंदर लग चुके हैं, प्रॉपर फिनिशिंग इसके अंदर भी देख सकते हैं, ORVM हमारे लग चुके हैं, वर्किंग पूरी मिलने वाली है, जेन्युइन हमारा पीस होने वाला है। सारे सर भाई जो हमारा पुराना पीस था वो कस्टमर के साथ वापस चला जाएगा, रखने वाला कोई सीन नहीं भाई, जिसे बोलते हैं ना भाई जो जेन्युइन काम है जेन्युइन काम होगा, जो प्रोडक्ट आपके लग के आते हैं वो प्रोडक्ट आपको वापस यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी भाई थोड़ा सा काम और बचा है, जैसी गाड़ी कंप्लीट होती है मैं आपको दिखाता हूँ लुक किस तरीके से Z2 को जेडेड बना दिया हमने। भाई देखिए जो इंटीरियर इनर हैंडल होता है हमारा, इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक जेन्युइन वाला जो आपको प्रॉपर क्रोम फिनिश करने मिलता है, बाकी जो हमने यहाँ पे पेंट किया आपको ब्लैक फिनिश, तो भाई देखिए कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो गाइस फाइनली यहाँ पे मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गई हमारे स्कॉर्पियो Z4 की, मतलब भाई जो गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन चाहिए थी वो सारी यहाँ पे कंप्लीट कर दी गई है, ये सारी हुई है हमारी दुकान ऑटोमेटिक कार डेकोर पे। बात की जाए भाई क्या क्या अपग्रेड, तो भाई ऑलमोस्ट सब कुछ भाई जिसे बोलते हैं ना पूरी ब्लैक ग्लॉसी गाड़ी वो यहाँ पे करके दी है। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करता भाई, सबसे पहले आपको दिखाते ग्रिल, तो भाई ग्रिल देखिए कंप्लीट पियानो ब्लैक के अंदर आपको यहाँ पे ग्रिल देखने को मिलेगी, अच्छी खासी लुक मिल जाती है। साथ ही साथ भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे हमारी क्रोम फिनिशिंग है भाई, 6 पीस क्रोम इधर और 1 पीस क्रोम यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिल जाता है। क्वालिटी वाइज और लुक वाइज भाई बहुत बेहतरीन यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ भाई इसके अंदर यहाँ देखिए LED लगाई गई है हमारी हेडलाइट के अंदर, अच्छा खासा हेडलाइट का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। साथ ही साथ नीचे हमारा आपको देखने को मिलेगा फॉग लाइट और हमारा बेजल, जो आपको सब कुछ जेन्युइन मिलने वाला है। आपको पहले ही बताया था आपका सारा यहाँ पे कपलर टू कपलर वर्क है, कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली, सिंपली प्लग एंड प्ले का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। एक भाई ऑन करवा के दिखाते हैं, भाई जरा फॉग लाइट ऑन कर दो हमारी और DIL भी ऑन कर देना। सो भाई देखिए हमारी DIL ऑन हो चुकी है और भाई सिर्फ DIL का रिस्पॉन्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। बाकी भाई फॉग लाइट ऑन कर दो हमारी, भाई देखिए फॉग लाइट ऑन और फॉग लाइट का रिस्पॉन्स देखिए, अच्छा खासा डिसेंट रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको दिया गया है। बाकी भाई जो हेडलाइट ऑन करने का लो बीम, तो भाई EMI लो बीम है भाई, डिपर मारो, भाई देखिए ये हमारा आई बीम का रिस्पॉन्स है। ऑलमोस्ट 300 to 400 meters ये आपको इजीली कवर कर लेगी, डिस्टेंस वाइज बहुत बेहतरीन है। साथ साथ पूरा ब्राइट सेटअप यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके दिया गया है, लुक देख सकते हैं, लुक यहाँ पे Z4 वाली नहीं Z8 वाली लुक यहाँ पे दी गई है। भाई बंद कर देना सब कुछ, उसके बाद अगर बात कीजिए साइड प्रोफाइल, तो भाई साइड प्रोफाइल देखिए यहाँ पे अलॉय व्हील्स अपग्रेड की गई है, MRF के टायर वंडर के 80 के साथ साथ भाई यही जो हमारे टायर है भाई ये 18 inch अलॉय लगाए गए इसके अंदर, भाई देख सकते हैं जेन्युइन आपके महिंद्रा के मिलेंगे व्हील कैप के साथ। साथ ही साथ भाई क्वालिटी वर्क के साथ तो अच्छा मिल ही रहा है ऐसा, और तो और इसकी जो भाई कंडीशन है बिल्कुल ब्रांड न्यू है भाई, ऐसा नहीं कि भाई कोई पुराना पीस लगा के दे दिए, ब्रांड न्यू पीस है, बहुत सी जगहों पे पुराने पीस आपको लगा के दे सकते हैं, तो भाई उनसे बचिए, हमारे पास आइए, हमारे पास आपको ब्रांड न्यू पीस डब्बा पैक यहाँ पर मिलेगा, आप पर्सनली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई साइड प्रोफाइल दिखाना चाहूँगा यहाँ पे क्या क्या अपग्रेड किया है, तो भाई ORVM इसके अंदर किया गया था, मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके से वर्क करने वाला है हमारा, तो भाई चाबी निकाल लेते हैं, तो भाई ये देख सकते हैं। सो भाई ये रही हमारी चाबी, सिंपली हम लॉक करते हैं तो भाई मिरर देख सकते हैं, मिरर यहाँ पे फोल्ड हो जाते हैं और भाई जैसे हम इसको करते हैं अनलॉक, तो भाई मिरर हमारे यहाँ पे अनफोल्ड हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको इंटीरियर से भी कंट्रोल मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो भाई ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है भाई। बाकी एक बार चाबी लगाता हूँ, उससे पहले आपको एक्सटीरियर पूरा कम्प्लीट कर देता हूँ। तो भाई यहाँ देखिए ये पूरा आपको यहाँ पे मिल गया पीस हमारी लोअर गार्निश का, 2 पीस आपको पेस्टिंग मिल रहा है, 4 पीस आपको मिलते हैं रिप्लेस, और तो भाई जो रिप्लेसमेंट आपको हमने दिखाया हर बारी, तो भाई ये देखिए यहाँ पे आपको स्क्रू सिस्टम देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर स्क्रू सिस्टम है भाई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल निकलने का चांस नहीं है। सेकेंडरी बात की जाए भाई अगर आपके पास Z2 है, तो भाई Z2 के अंदर आप डोर के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे हैंडल्स आते हैं, इसको बॉडी पेंट कलर कर देते हैं, बाकी आपको कुछ और करा, जैसे आपकी वाइट गाड़ी तो वाइट हो जाएगा। बाकी बात के साइड प्रोफाइल, तो भाई ऊपर रूफ रेल दिखाया था भाई, रूफ रेल अप्लाई की गई है, प्रॉपर फिटिंग आपको मिल जाएगी स्क्रू सिस्टम में। साथ ही साथ नीचे की बात की जाए भाई यहाँ पे आपको लिया देखिए ब्लैक कलर के अंदर फुटरेस्ट भाई कंप्लीट आपको जेन्युइन मिलने वाला है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, आपको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी भी बात कीजिए बैक प्रोफाइल की, तो भाई बैक प्रोफाइल में लेके चलता हूँ। सो भाई बैक प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे हमने कैमरे को अपग्रेड किया है, यहाँ पे आपको DS05 देखने मिल जाएगा ब्लू पेंट ब्रांडिंग का, इसका जो क्लैरिटी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। साथ ही साथ नीचे की तरफ बात की तो भाई डाइजेक्स ब्रांड का यहाँ पे आपको रियर गार्ड देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको डबल क्रोम लाइनिंग मिलेगी, और भाई इसकी स्ट्रेंथ आपको जेन्युइन से भी अच्छी मिलती है। बाकी भाई आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, आपको जेन्युइन भी दिखा देंगे, आपको आफ्टर मार्केट भी दिखा देंगे, दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं।
अब बात करें इंटीरियर की तो भाई इंटीरियर में एक बार दिखा देता हूँ। तो भाई ये कुछ आपको हमारा इंटीरियर देखने को मिलेगा, टॉप मॉडल वाली फिनिशिंग मिल जाएगी, साथ साथ भाई ये आपको कुशन मिल जाएंगे यहाँ पे। और भाई क्वालिटी वाइज बात करें, क्वालिटी वाइज आपको यहाँ पे टॉप मॉडल वाली मिलती है। बाहर से आपको लुक दिखा दूँ कम्प्लीट। सो भाई ये कुछ आपके यहाँ पे बाहर कम्प्लीट लुक है। अब अगर बात की जाए ओआरवीएम के स्विचेस की तो भाई स्विचेस दिखाते हैं। सो भाई ये देखिए भाई यहाँ पे पहले तो सॉफ्ट टच किया गया है, ठीक है भाई। लेदर रैपिंग देखिए, लेदर रैपिंग आपकी प्रॉपर होने वाली है, स्टिचिंग आपकी प्रॉपर मिलेगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टनेस अच्छी खासी मिल जाती है। बात की जाए स्विचेस की तो भाई स्विच यहाँ पे आपके रिप्लेस मिल रहा है, जो आपके कंप्लीट वर्किंग होने वाले हैं। और तो भाई ये जो स्विच प्लेट है ये भी आपकी पूरी रिप्लेस है। एक बार कंट्रोल करते हैं भाई, देखिए जैसे मिरर को ऑफ करेंगे तो भाई ये देख सकते हैं, गाड़ी ऑन कर दो पहले, तो भाई देखिए भाई गाड़ी ऑन करते हैं एम्बिएंट ऑन, और भाई जैसे हम इसको बंद करते हैं तो भाई मिरर हमारे होते हैं फोल्ड, ठीक है भाई, इधर का भी उधर का भी। और भाई जैसे इसको करते हैं अनफोल्ड तो भाई देख सकते हैं हमारे अनफोल्ड हो जाते हैं। तो भाई दोनों यहाँ पे अनफोल्ड हो चुके हैं। बाकी कंट्रोल करें तो भाई सिंपल इसको राइट साइड टर्न करना है, देख सकते हैं ये अप हो गया हमारा, डाउन, लेफ्ट एंड जस्ट सिंपली राइट। और ऐसे ही दूसरी साइड करें तो भाई सिंपली इसको आपको लेफ्ट साइड घुमा देना है, जिसके थ्रू हम वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं सारा, अप डाउन लेफ्ट और भाई ये राइट, ठीक है। तो भाई कंप्लीट कंट्रोल एक्सिस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी जो भाई एम्बिएंट है आपके यहाँ पे K3 एम्बिएंट लगी है 6 पीस के अंदर, 4 डोर्स पे, 2 हमारे डैशबोर्ड पे, क्वालिटी वर्क आपको टॉप मिलता है। बाकी भाई बात कीजिए इसके अंदर देखिए प्रॉपर फिटिंग आपको मिलेगी, कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं है, कहीं से कहीं तक ऐसे सिलवटे नहीं है, कहीं से कहीं तक आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं मिलने वाला। बाकी स्टेयरिंग की बात की भाई स्टेयरिंग दिखा देते हैं आपको, स्टेयरिंग के अंदर क्या क्या अपग्रेड किया गया यहाँ पे। तो भाई स्टेयरिंग के अंदर यहाँ पे आपका क्या गया स्टेयरिंग रैप, तो भाई आपका होने वाला मून डिज़ाइन। तो भाई मून डिज़ाइन आपका स्टेयरिंग है, क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी मिलने वाली है, साथ साथ फिटमेंट देखिए, फिटमेंट आपकी प्रॉपर मिलेगी यहाँ पे। तो भाई कहीं से कोई तक आपको दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी अगर इसके अंदर आपको MID बटन लगवाना तो भाई वो मिल जाएंगे, साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे चेंज करवाना है स्टीयरिंग कंट्रोल चेंज करवाना तो भाई वो ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो भाई ये देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे आपको मिलता है अभी ऐसे कुछ मैट के अंदर। बाकी ग्लॉसी में जाना चाहे तो ग्लॉसी ऑप्शन भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल ही जाता है। सेकेंडरी बात की जाए भाई कलर अगर आपको चोर करना है, कस्टमाइज करवाना है तो वो ऑप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो आपको आपको दिखा दूँ टेक्सचर कैसा, भाई टेक्सचर आपको यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। ये देखिए भाई ये कुछ क्वालिटी आपको मिलने वाली है, टॉप मॉडल वाली, सारा हमारा चेन सिस्टम है, कोई भी ऐसा एलफी सिस्टम नहीं है, प्रॉपर फिटिंग, प्रॉपर लुक और कम्फर्ट लेवल भी आपको इसमें टॉप मिलने वाला है, देख सकते हैं भाई ये देखिए। और भाई बात की जाए बाकी यहाँ पे तो भाई यहाँ पे भी देखिए सॉफ्ट टच आपको देखने को मिल जाएगा, आर्मरेस्ट पे प्रॉपर फिटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, साथ साथ क्वालिटी वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल ही जाता है। उसके साथ साथ भाई यहाँ देखिए यहाँ पे मरीन हैंडल रिप्लेस किया गया, जो प्रॉपर आपको मरीन जन मिल रहा है, रेड कलर की बेसिंग मिल जाएगी टेपिंग। बाकी अगर आपको इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन करें तो वो भी यहाँ पे मिल जाती है। तो भाई यही कुछ मॉडिफिकेशन हमारी कार के अंदर, अगर आपको भी कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन चाहिए तो भाई आप आ सकते हैं हमारी दुकान ऑटो मैजिक कार डेकोर पे। बाकी भाई आपको यहाँ पे सारे जेन्युइन आइटम्स मिल जाएगी, साथ साथ क्वालिटी वर्क मिल जाएगा। और भाई आपके पास अगर महीने तो भाई जरूर आए हमारी दुकान ऑटो मैजिक कार डेकोर पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।